हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो सबसे पहले बेटा चेक कर लीजिए कि माय वॉइस एंड ऑडियो वीडियो क्लियर इज़ नॉट ना। सबसे पहले चेक कर लीजिए, वॉइस इज़ क्लियर टू ऑल, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी को एक बार चेक करेंगे, रिप्लाई करेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आज से हम लोग नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो नॉर्मलाइजेशन इज़ द न्यू टॉपिक है ना। तो अगर जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो इट सिम्स लाइक कि भाई रिस्पॉन्स जैसा मैं सोच रहा था वैसा मिल नहीं रहा है ना, बट देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? अभी पढ़ने का मन नहीं है क्या? ऐसा है क्या कि भाई एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ेंगे, सिर्फ 2-3 महीने पहले ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? या फिर ऐसा है कि भाई सर सेशंस तो प्राइवेट है नहीं, तो कभी भी जब मन पड़ेगा तब देखेंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। सो अगर ऐसा है तो फिर वीडियोज़ को क्या है, अपन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में डाल दें क्या? फिर लाइव इंटरेक्शन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से अटेंड करेंगे तो मतलब देखिए, ओवरऑल समहाउ अगर कोई चीज़ है, कुछ कंटेंट है जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो उस कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करो ना, अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। सेशंस में आओ बेटा रेगुलर, टाइम पे सेशंस में रेगुलर आइए आप लोग। सो समहाव अगर ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि भाई अभी मन नहीं है सर पढ़ने का, अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, तो फिर सेशंस बाद में करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? यस, चलिए चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा अप टू दी फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, सब कुछ हम लोगों ने कवर अप किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन। सो एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, क्यों नॉर्मलाइजेशन की नीड पड़ी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, ठीक है। सो एक बार अप्लाई करके बता देंगे कि प्रीवियस सेशन तक का जो कंटेंट था वहाँ तक में है ना, मतलब वो सारा जो कंटेंट है ना, एक्चुअली मतलब वो हम कहीं ना कहीं हमें यूज में आएगा नॉर्मलाइजेशन पे। सो की कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, ये पूरा एक क्या इंटर रिलेटेड चीज है, मतलब इनमें सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो जैसे ही यहाँ से हम अगले टॉपिक पे स्विच करेंगे, जैसे सपोज ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेबिलिटी पे स्विच किया, तो उसमें और इसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन या कोई लॉजिकल ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते या कुछ ऐसा आता नहीं है। बट हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो हम आज से शुरू करने वाले हैं, इसके पहले हमने जो सेशन देखे उन सेशन में और इसमें कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि रिलेटेड है, तो पुराना कंटेंट आना चाहिए आगे का समझने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, मेरा डीबीएमएस का कितने डेज का सिलेबस है, तो नेक्स्ट मंथ पूरा चलेगा डीबीएमएस, लगभग इतना तो मान के चले, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ भी डीबीएमएस चलेगा आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट मंथ चलेगा। नीड हुई तो उसके आगे भी चलेगा, नहीं तो तब तक मैं कर लेंगे उसको। ओके, लेट्स हियर। सो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा नॉर्मलाइजेशन, है ना। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अननॉर्मलाइज, देखिए नॉर्मलाइजेशन से मतलब क्या है, है ना। तो बेसिकली जो हमारा अननॉर्मलाइज डेटाबेस होता है, अननॉर्मलाइज डेटाबेस मतलब सिंपल सा, आपने कोई टेबल क्रिएट करी, ठीक है, और आपने उस टेबल क्रिएशन के अंदर आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हो, ठीक, कुछ भी डेटा आप लोग उसके अंदर सपोज इंसर्ट करते हो। तो अगर हम अननॉर्मलाइज्ड कंटेंट इन, मतलब अगर हम जो हमारी टेबल बना रहे हैं उस पर हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया हुआ है, या टेबल बनाने के पहले हमने सोचा नहीं कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर मैंने ऐसे उठा के कुछ भी डेटा या कुछ भी एट्रीब्यूट के साथ में मैंने अगर टेबल डिजाइन कर दी है ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर आ सकती है। तो वही प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग कहते हैं कि देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद अननॉर्मलाइज डेटाबेस, मतलब जो डेटाबेस पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है और ऐसे ही हम लोग बना देते हैं बिना सोचे समझे, तो वहां उन डेटाबेस के साथ कुछ दिक्कत आने के चांसेस है। देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस है।
अब उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए या उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कि सर जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपनीज जो है प्रोजेक्ट्स बनाती हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनता है उसके बैकएंड पे जो डेटाबेस होता है, तो क्या वो नॉर्मलाइज होता है? यस बिल्कुल वो नॉर्मलाइज होता है। वो नॉर्मलाइज डेटाबेस ही बनाते हैं, वो इसी तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि इस टाइप के कोई इश्यूज या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स उनको देखने को ना मिले। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर डेटाबेस हमारा अननॉर्मलाइज है तो क्या प्रॉब्लम वो डेटाबेस फेस करता है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स उस डेटाबेस के अंदर आती है, और फिर कैसे नॉर्मलाइजेशन से वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। सपोज टू बी यू हैव अ पर्टिकुलर डेटाबेस या एक कोई टेबल दे दिया आपको और पूछ लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ लिया कि नॉर्मलाइजेशन करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम हटा सकते हैं, एग्जैक्टली व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए सो डिस्कस करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अननॉर्मलाइज डेटाबेस, है ना? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अननॉर्मलाइज डेटाबेस, सो लेट्स सी हियर। What is the problem with unnormalized database? What is the problem with unnormalized database? ठीक है, तो unnormalized database के साथ क्या problem आती है? ठीक है, तो basically we can say that there are four type of problem with unnormalized database. Basically four problems होती है। एक होता है आपका इंसर्शन एनोमली, है ना? विल एक्सप्लेन दैट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, है ना? इंसर्शन एनोमली, देन द सेकंड इज डिलीशन एनोमली, थर्ड इज अपडेट एनोमली, एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, सो ये फोर प्रॉब्लम्स हैं आपके अननॉर्मलाइज डेटाबेस के साथ में। इंसर्शन एनोमली इज अ प्रॉब्लम, डिलीशन एनोमली इज प्रॉब्लम, डेटा अपडेशन, मतलब थ्री टाइप की एनोमली होती है। मतलब अगर हमने अननॉर्मलाइज डेटाबेस बनाया तो उस अननॉर्मलाइज डेटाबेस में सपोज टू भी हम कुछ कंटेंट को क्या करने जाते हैं, इंसर्ट करने जाते हैं, देयर आर सर्टेन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मतलब हम जो चाहते हैं अगर हम वो डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो डेटा इंसर्ट करने की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है लाइक दैट, है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट एनोमली। डिलीशन एनोमली का मतलब क्या हुआ? तो डिलीशन एनोमली में हम लोग सिंपल सा ये कह सकते हैं कि सपोज टू बी आई वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम दी टेबल, है ना? मुझे टेबल से कुछ कंटेंट डिलीट करना है, लेकिन वो कंटेंट को डिलीट करने में कहीं कोई दिक्कत है ना, कहीं कुछ इश्यू है और हम वो डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो डिलीट करते हैं तो उसकी वजह से कुछ डेटा लॉस हो जाता है, मतलब कुछ दूसरा डेटा लॉस हो जाता है लाइक दैट, तो इज अ डिलीशन एनोमली। अपडेट एनोमली का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हमें कोई कंटेंट हम डेटाबेस में अपडेट या किसी टेबल में हम कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं या वो अपडेशन करने की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो दैट वुड बी द प्रॉब्लम। एंड डेटा रिडंडेंसी का जो बेसिक आइडिया है या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर सिमिलर टाइप का डेटा मल्टीपल टाइम टेबल में इंसर्ट किया हुआ है तो दैट इज द डेटा रिडंडेंसी, उसको हम लोग बेटा कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, अगर हमारे पास अननॉर्मलाइज डेटाबेस है तो इस अननॉर्मलाइज डेटाबेस को, इस अननॉर्मलाइज डेटाबेस के ऊपर ये चार टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को या फेस करने को मिलेगी। एक एग्जांपल से मैं आपको वन बाय वन प्रॉब्लम बताता हूँ कि कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं तो दिक्कत आती है, कैसे डेटा को डिलीट या अपडेट करने पे दिक्कत आती है, और व्हाई वी आर सेइंग दैट कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिडंडेंसी, और डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम डेटाबेस फेस करता है। So due to data redundancy, there is a chance of data inconsistency. ठीक है, तो ये कैसे होती है वन बाय वन विल डिस्कस दैट पॉइंट, फिर हम कम बैक करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए सपोज टू बी यू हैव अ पर्टिकुलर टेबल, एक टेबल है आपके पास में, एक टेबल है आपके पास में, ठीक है, उस टेबल का कंटेंट है, उस टेबल का कंटेंट है सपोज टू बी
there are certain attributes in that particular table. Okay, so first attribute is supposed to be there is a course number. Okay, corresponding to that there is a name of course. Course name is there. Okay, so course number, corresponding to that there is a name of course, and corresponding to that supposed to be there is an instructor. Instructor of that particular course. Okay, so and corresponding to that suppose there is a room number. Means ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिक कोर्स किस रूम में लग रहा है ना, तो उस रूम की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में. रूम नंबर इज देयर. नाउ सपोज टू बी द रूम नंबर, करस्पॉन्डिंग टू दैट सपोज देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम. उस रूम का कैपेसिटी क्या है ना, उस रूम की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है. एंड सपोज देयर इज वन मोर एट्रीब्यूट, दैट इज साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम. उस रूम का जो साइज है वो कितना है. तो ऐसे कोई हमारे पास एक टेबल दी हुई थी, उस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हमें दिए हुए. कोर्स नंबर दिया हुआ है, कोर्स नेम दिया हुआ है, इंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, रूम नंबर दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है, साइज दी हुई है. सो वॉट वी कैन से, कैन वी से दैट कि हाँ इस टाइप की टेबल हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हम क्या चाहते हैं कि कोर्स नंबर, जैसे कोर्स नंबर वन है ना, जैसे सपोज टू बी कोर्स का कुछ नंबर होगा, कोर्स नंबर वन है. ठीक है, ये कोर्स नंबर का जो नेम है सपोज टू बी इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS है. करस्पॉन्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्टर इज सपोज टू बी कुछ इज इंस्ट्रक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है, ये किस रूम में कंडक्ट हो रहा है. मतलब सपोज ऑफलाइन क्लासेस आर देयर, तो हर सभी के एक एक रूम होते हैं ना भाई, कि ये क्लास इस रूम में लगेगी, वो क्लास उस रूम में लगेगी, लाइक दैट. सो देयर इज अ रूम नंबर, सपोज टू बी रूम नंबर इज 101 रूम नंबर में लग रहा है. द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम इज, मतलब मान लो सपोज टू बी यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स क्या है, बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं. सो देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड साइज दैट इज सपोज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फिट है ना. सपोज ये जो रूम एरिया है, इस रूम का साइज है 2000 स्क्वायर फिट. तो 2000 स्क्वायर फिट एरिया के अंदर रूम बना हुआ है और 100 स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर रूम के अंदर बैठ सकते हैं. और ये इस तरीके से आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सिमिलरली जितने भी रूम्स होंगे और या जितने भी कोर्सेज हैं, वो सारे कंडक्ट हो रहे हैं उस स्पेसिफिक रूम के अंदर. चलिए, सो देयर इज अ कोर्स नंबर, देयर इज अ कोर्स नंबर टू. Supposed to be here, what we can say, supposed to be, जो कोर्स नंबर है वो प्राइमरी की है आपका इस स्पेसिफिक टेबल के लिए. क्योंकि मैं टेबल बना रहा हूँ, आई एम अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो मुझे किसे प्राइमरी की रखना है, मैं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. तो मेरे लिए कोर्स नंबर प्राइमरी की है. कोर्स नंबर वन इज देयर, टू इज देयर, थ्री इज देयर, फोर इज देयर. ठीक है, द सेकेंड कोर्स इज सपोज टू बी टॉक, द अनदर वन इज अ कंपाइलर डिजाइन इज देयर, एंड द नेक्स्ट वन इज सपोज टू बी देयर इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, नाउ सपोज द इंस्ट्रक्टर्स आर लाइक राज, राम एंड रवि इज देयर. सो डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे, या सेम इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. हो सकता है कि दो सब्जेक्ट सेम इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, इट मे बी पॉसिबल. सो अगर ऐसा कुछ कंटेंट है तो अकॉर्डिंगली आप इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे. सपोज दो सब्जेक्ट सेम इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है तो उसके नेम लिख देंगे, बाकी अलग हो जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से, सपोज टू बी दिस पर्टिकुलर इज कंडक्टेड इन रूम नंबर 101 विद द स्टूडेंट इन द कैपेसिटी. सपोज टू बी जो सेकंड TOC है वो कौन से रूम में कंडक्ट होता है, इट इज रूम नंबर 102 में कंडक्ट होता है. ठीक है, अब 102 में कंडक्ट हो रहा है और कैपेसिटी सपोज टू बी इस रूम की है, इसकी कैपेसिटी है 200 स्टूडेंट और सपोज टू बी द साइज है 5000 स्क्वायर फीट, लाइक दैट है ना. नाउ इट मे बी पॉसिबल कि दो सब्जेक्ट्स सेम रूम में कंडक्ट हो सकते हैं, है ना, दो सब्जेक्ट सेम रूम में कंडक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पे शिफ्ट अलग होगी. हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहा है, कोई सब्जेक्ट इवनिंग शिफ्ट में चल रहा है. तो हो सकता है कि कंपाइलर डिजाइन इज ऑल्सो कंडक्टेड इन रूम नंबर 101. तो अगर ये रूम नंबर 101 में कंडक्ट हो रहा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, 100 है. यही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना यहाँ पे, और ये 2000 है. ठीक, ये 2000 है. सपोज टू बी 101 रूम में एक और सब्जेक्ट कंडक्ट होता है, दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. इसकी कैपेसिटी भी 100 है और इसकी साइज 2000 है. इज इट क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? सो रूम नंबर, कैपेसिटी और साइज, हमें ये तीन चीजें दी हुई हैं. कोर्स नंबर, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, ये हमें दिया हुआ है. मतलब अल्टीमेटली इस टेबल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कौन सा कोर्स कौन टीचर पढ़ाता है और वो कौन से रूम में कंडक्ट होता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई गलत चीजें स्टोर की है. यस, इट इज अ रिलेटेड डेटा. हम बोलते हैं ना डेटाबेस या जो हम टेबल बनाते हैं, इट शुड कंसिस्ट रिलेटेड डेटा. तो यस, जितना भी डेटा यहां पे इंसर्ट किया बेटा, पूरा का पूरा डेटा रिलेटेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरीके से इंसर्शन हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है. वी कैन इंसर्ट डेटा लाइक दिस.
कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए बेटा, थैंक यू गुलशन, थैंक यू डियर। देखिए देखिए बेटा, अब हम यहां पे अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक चीज देखिए, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो डेटाबेस है ना, ये अननॉर्मलाइज डेटाबेस। अब आप बोलेंगे सर इतना सही तो डेटाबेस बनाया, सब कुछ तो सही सही दिख रहा है, जो हम चाहते हैं वो स्टोर हो रहा है, तो और क्या चाहिए हमें इस डेटाबेस के साथ, क्या तकलीफ है इस डेटाबेस से? तो मैं कहता हूं कि यहां पे हमें चार तकलीफ है क्योंकि ये अननॉर्मलाइज है, फोर प्रॉब्लम्स है ना। अभी हमने डिस्कस किया, अगर अननॉर्मलाइज डेटाबेस होता है तो उसमें फोर टाइप की प्रॉब्लम होती है, ये डेटाबेस अननॉर्मलाइज है तो इसमें फोर टाइप की प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम कैसे, क्यों हम इसको अननॉर्मलाइज डेटाबेस कह रहे हैं? सो देखिएगा देखिएगा क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन एनोमली। सो अब पॉइंट ये कि सर इंसर्शन एनोमली कैसे है इसके अंदर, इंसर्शन एनोमली कैसे है इसके अंदर? सो लेट्स सी हियर, लेट्स सी हियर। सपोज टू बी है ना, मतलब ये भाई कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है, उसके अंदर रूम नंबर 101 102 ये दो रूम थे, है ना, दो रूम थे, ये सारे सब्जेक्ट उसमें कंडक्ट हो रहे थे। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और रूम बनाना है, आई वॉन्ट टू डिजाइन वन मोर रूम, है ना भैया, मेरे पास आ गए थोड़ा पैसा हो गया, मुझे एक रूम और करना है, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, पहले ये चार सब्जेक्ट पढ़ते थे बट अब और से भी सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे, तो मुझे और रूम्स क्या करने हैं, क्रिएट करने, आई वॉन्ट टू क्रिएट न्यू रूम। ठीक है, बट अभी ये डिसाइड नहीं किया मैंने कि उस रूम के अंदर कौन सा कोर्स कंडक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ अभी क्या डिसाइड किया है, रूम बन चुका है, नाउ द न्यू रूम, देन द नंबर ऑफ दैट रूम इज 103, 103 रूम क्रिएट किया है 10,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें एक साथ 500 बच्चे बैठ सकते हैं, लाइक दैट। बट वहां पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अभी डिसाइडेड नहीं है। सो कैन आई इंसर्ट डेटा लाइक दिस इन दिस पर्टिकुलर टेबल? तो क्या मैं ऐसा डेटा इस टेबल में इंसर्ट कर पाऊंगा क्या? क्या मैं कर सकता हूं रूम नंबर 103 की इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर स्टोर? क्या मैं रूम नंबर 103 की इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर कर सकता हूं क्या? अभी उसमें कौन सा सब्जेक्ट लगेगा ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी उसकी क्लियरेंस नहीं है, इन फ्यूचर जो भी लगाएंगे लगा देंगे, बट अभी हमने बना लिया है उसको, ये मान के चलो। सो कैन आई इंसर्ट डेटा लाइक दिस, कैन आई इंसर्ट डेटा लाइक दिस? तो अब आपको डेटा इंसर्ट करना था बेटा रूम नंबर 103 का डेटा, बट व्हाट वी कैन से, कोर्स नंबर इज अ प्राइमरी की फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल। तो जब तक कोर्स नंबर आपको नहीं पता होगा कि इस रूम में कौन सा कोर्स नंबर लगेगा, तब तक आप रूम नंबर का इंफॉर्मेशन भी स्टोर नहीं कर सकते। तो ये तो गलत बात है ना, ये मेरी टेबल है, ये मेरी टेबल है, बट इस टेबल में आई वॉन्ट टू इंसर्ट सम डेटा, मुझे कुछ डेटा ऐसा इंसर्ट करना है, तो लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वी कांट इंसर्ट दैट डेटा, विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वी कांट इंसर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा, गॉट इट? हाँ, अगर मुझे कोर्स इंसर्ट करना था तो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन इंसर्ट द कोर्स, कोर्स नंबर 5 है ना, कोर्स नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, और राज पढ़ा रहा है उसको, तो 5 ऑपरेटिंग सिस्टम राज, ये इंसर्ट कर सकता हूं, इसकी करस्पॉन्डिंग ये सेल्स ब्लैंक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सपोज टू मुझे रूम नंबर का इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सो आई एम नॉट एबल टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मैं वो इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा, विदाउट कोर्स आई कांट इंसर्ट दी रूम। ठीक है, तो दैट वुड बी द प्रॉब्लम, इज काइंड ऑफ इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन एनोमली हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए पॉइंट आता है डिलीट एनोमली, डिलीट एनोमली, डिलीशन एनोमली। ठीक है, डिलीशन एनोमली, अगर मुझे इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, सपोज टू बी जो डीबीएमएस का कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है ना, डीबीएमएस मैंने शुरू किया था पढ़ाना, मैंने डीबीएमएस का कोर्स कंप्लीट कर दिया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डीबीएमएस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस टेबल से डिलीट करनी है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं डीबीएमएस को बेटा डिलीट करने जाऊंगा तो उसके साथ में रूम नंबर भी डिलीट हो जाएगा, उसके साथ में रूम नंबर भी डिलीट हो जाएगा, तो ये तो डेटा लॉस होने के चांसेस है। आप कहेंगे सर रूम नंबर 101 यहां दो जगह है ना, हम यहां से ले लेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सपोज थ्योरी ऑफ कंपटीशन कंप्लीट हो गया, टीओसी कंप्लीट हुआ, तो मुझे क्या डिलीट करना था कि नाउ माय टीओसी इज डन, तो अब मुझे उसको इस टेबल में रखने की जरूरत नहीं है, तो आई वांट टू डिलीट द इंफॉर्मेशन टू टीओसी कुश, है ना, मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है। बट रूम तो है ना भाई, रूम थोड़ी डिलीट किया, हो सकता है कि इन फ्यूचर में कोई और क्लास उस रूम में कंडक्ट कर दूं और कोई और कोर्स उस रूम में पढ़ा दूं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं सिर्फ इतना डेटा डिलीट नहीं कर सकता, इज नॉट पॉसिबल।
है ना, क्योंकि अगर प्राइमरी की को डिलीट करने जाओगे बेटा तो पूरी रो को डिलीट करना पड़ेगा, पूरी रो को डिलीट करना पड़ेगा। बेटा कोर्स नंबर डाल के, आपने कोर्स नंबर डाल के इंसर्शन की बात कर रहे हो कि सर मैं सिर्फ कोर्स नंबर डाल के इंसर्ट कर देता हूं, तो बट वो कोर्स नंबर तो अभी आपने, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन जो कि करेक्ट है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्टोर करनी है। आपने सोचा कि सर रूम नंबर, आप बोल रहे हो रूम नंबर 103 का डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है सर मैं यहाँ पे कुछ डमी डेटा डाल दूं क्या? तो भाई डमी डेटा आपने डाला है, आपको पता है, आप उठ के चले गए, कोई और आके बैठा उसे थोड़ी ना पता ये डेटा डमी है, उसको क्या लगेगा अच्छा रूम नंबर 103 उसमें ये वाला कोर्स चल रहा है, जबकि कोर्स तो चल ही नहीं रहा है ना। तो हम गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्टोर करना चाहते हैं, फिर गलत अगर स्टोर करना है तो फिर तो कुछ भी कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट वी वांट टू स्टोर द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो फिर कभी दिक्कत आएगी ही नहीं ना, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम कि अगर मुझे किसी कोर्स की इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है तो मुझे उसके साथ में अननेसेसरी रूम की इंफॉर्मेशन भी डिलीट करनी पड़ेगी, जबकि मैं रूम की इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं करना चाहता था। दैट वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ डिलीशन एनोमली, अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली, अब देखिए बेटा अपडेट एनोमली की प्रॉब्लम कब आती है इस टेबल के अंदर, अपडेट एनोमली कब आता है, तो हम लोग यहां पे क्या कहें, सपोज टू बी क्वेरी कुछ इस तरीके से आई है ना, मतलब जो यूजर है या उसकी क्वेरी किस तरीके से आई, जिस रूम में, या फिर क्वेरी इस तरीके से आई है कि जहां पे डीबीएमएस सब्जेक्ट कंडक्ट हो रहा है या जहां पे कोर्स नंबर 1 कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें अब 100 की बजाय 200 बच्चे बैठ सकते हैं, कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि रूम का साइज हमने बढ़ा दिया, ठीक है, दो रूम्स को मर्ज करके साइज इंक्रीज कर दिया। सो व्हाट आई वांट टू अपडेट कि जहां पे कोर्स नंबर 1 मेरा कंडक्ट हो रहा है, नाउ द कैपेसिटी ऑफ दैट रूम इज, नाउ द कैपेसिटी ऑफ दैट रूम इज 200 एंड द साइज ऑफ दैट रूम इज सपोज टू बी 3000 स्क्वायर फीट, लाइक दिस। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी थी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल अपडेट हो सकती है ना, हमने क्वेरी लिख दी, क्या लिख दी, अपडेट कैपेसिटी साइज, ये दोनों अपडेट करेंगे हम लोग, है ना, जो भी कंडीशन के ऊपर, तो अपडेट करना है हमें इस पर्टिकुलर टेबल को जहां पे कोर्स नेम क्या है डीबीएमएस। आप बोलेंगे सर अपडेट हो गया, अपडेट हो गया, बट प्रॉब्लम क्या हुई बेटा पता है, अब प्रॉब्लम आ गई ड्यू टू दिस अपडेशन, द प्रॉब्लम ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। पहली रो बोल रही है कि रूम नंबर 101 की कैपेसिटी 200 है और उसकी साइज 3000 है, और ये रो बोल रही है कि रूम नंबर 101 की कैपेसिटी 100 है और इसकी साइज 2000 है, तो फिर कौन सी इंफॉर्मेशन सही है ना। तो सेम टेबल में हम एक रो पे अपडेट कर दिए और बाकी की रो अपडेट नहीं हुई साइमल्टेनियसली, सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये पॉइंट समझ में आया, धनंजय? एसक्यूएल प्रॉब्लम्स के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर सेशन, ठीक है बेटा, डेफिनेटली विल डू दैट थिंग, ऐसा कुछ एक निकाल लेते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइमिंग में, इस मंथ तो नहीं बट अगले मंथ में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आपका जो है वो करेंगे बेटा, डोंट वरी, इंटरव्यू सेशन रख लेंगे फॉर द एसक्यूएल। गुड इवनिंग विशाल, स्वरूप इस बार एसक्यूएल वाला गलत हो गया बेटा, वैसे एसक्यूएल वाला गलत होना नहीं था, बट हाँ बोल सकते थे कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, और ये कंफ्यूजन क्यों होता है पता है, जब हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कमजोर होती है, अगर हमने हर टाइप की क्वेरीज पे दो दो चार चार क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो फिर प्रैक्टिस हमारी कमजोर है, और प्रैक्टिस अगर हमारी थोड़ी सी कमजोर है तो फिर गलती होने के चांसेस है, और वहां गलत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन को छोड़ा होगा, जो 2022 का पेपर था ना उसमें क्वेश्चन किसी ने छोड़ा नहीं है, क्वेश्चन गलत हुआ है ना, क्योंकि अगर पढ़ के गए थे तो भाई सर डीबी में से नहीं पढ़ा था तो फिर तो सभी छोड़ दिया होगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पढ़ के गए थे तो फिर वो गलती हुई है, क्यों, क्योंकि दैट इज ड्यू टू द लेक ऑफ प्रैक्टिस। बस एक वही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं था बेटा, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं, और ऐसा भी नहीं, टफ भी नहीं बोलूंगा एक्चुअली मैं उसे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे पिछले, अगर मैं पीवाईक्यू ही आप लोग करके जाते तो सेम कॉन्सेप्ट पे कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉट एग्जिस्ट क्वेरी को देखना, 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फिर हम उसको टफ कैटेगरी में नहीं डालेंगे। टफ कब बोलते हैं सर, कोई नया ही कीवर्ड दे दिया था,
तो फिर बोल सकते थे कि सर हमने पढ़ा नहीं इसलिए गलत हो गया। चलिए, सो हम प्रॉब्लम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? प्रॉब्लम हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? यस, वी आर डिस्कसिंग ओवर दिस पर्टिकुलर अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली की बात कर रहे थे बेटा हम लोग, ठीक है? तो अपडेट एनोमली में हम लोग क्या कह सकते हैं, अपडेट एनोमली क्या थी हमारी, कि मुझे उस कोर्स की, मुझे उस रूम की साइज बढ़ानी थी। आई डोंट नो द रूम नंबर, मुझे रूम नंबर नहीं पता था, मुझे ये पता था कि जिस क्लासरूम में डीबीएमएस लग रहा है ना, अभी वहां 100 बच्चे हैं, बट अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, अब 200 बच्चे बैठेंगे उस क्लास के अंदर, तो बड़ा रूम कर दो, उसकी साइज 2000 स्क्वायर फीट से 3000 कर दो। ठीक है, हमने कर दी, हमने कर दी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आपको रूम नंबर 101 की इंफॉर्मेशन चाहिए, आगे कोई और बंदा आया, उसे बोला एक काम करो रूम नंबर 101 का साइज क्या निकाल के बताओ, तो आपने क्वारी रन की। जैसे ही क्वारी रन की, वो बताएगा सर रूम नंबर 10 का साइज 3000 है, और यहां से बताएगा सर उसका साइज 2000 है, तो फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि सही इंफॉर्मेशन कौन सी है, पहली वाला 3000 इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन और 2000 इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो दैट वुड बी द प्रॉब्लम अगर हम अपडेट करने गए और सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मल्टीपल लोकेशन पे हमारी टेबल में एग्जिस्ट करता है, और अपडेट क्वारी कुछ टपल्स को तो अपडेट कर देती है, बट सारी टपल्स को जहां जहां वो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं कर पा रही है। दैट वुड बी द प्रॉब्लम, दैट वुड बी द प्रॉब्लम। बेटा पेपर का जो लेवल था इज नॉट दैट मच टफ, है ना, मॉडरेट लेवल हम लोग कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर था। हाँ, कुछ चीजें थी जिनमें, एक तो नंबर ऑफ एमएसक्यू बढ़ गए थे। देखिए मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन बढ़ गए ना, तो वहां क्या हो जाता है पता है, एमसीक्यू। अब ऐसा नहीं है कि भाई एमसीक्यू है तो सर पेपर बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं है, बट क्या होता है कि जब अब एमएसक्यू आने लगे ना तो एमसीक्यू ईजी लगने लगे, ऐसा होता है। तो दूसरा प्रॉब्लम वहां पे क्या होती है पता है, एमएसक्यू क्वेश्चन के साथ क्या होती है कि वी हैव अ फोर ऑप्शंस, सो वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दी ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस के का इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। एमसीक्यू में क्या होता था, चार में से एक सही होता था, और अगर मान लो कि हमने कोई स्टेटमेंट पढ़ रखा है और वो हमें ऑप्शन में दिख जाता था, तो हम क्या कहते थे, यस ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट, वॉट एवर अबाउट दी एबीडी। आपने एबीडी नहीं भी आता है, लेकिन अगर आप सी पे 100% श्योर होते हो तो आप टिक कर देते हो और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि सी सही है और एबीडी गलत है, ये भी आपको पता होना चाहिए एमएसक्यू क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा लेना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन का नॉलेज होगा तभी हम करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहां इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं तो थोड़ा सा, जो देखिए टॉपर्स की रैंक में कोई अंतर जाने वाला नहीं है, जो टॉप करेगा वो पहले जितने मार्क्स लाता था वैसे ही आज भी लाएगा, जो कट ऑफ है उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर जाने वाला नहीं है, जितना पिछले सालों के पैटर्न से वहीं इर्द गिर्द उसका कट ऑफ भी रहने वाला है, बस ये जो बीच के बच्चे हैं वो थोड़े ऊपर पहुंच जाएंगे और बहुत सारे नीचे आ जाएंगे, बस बाकी टॉपर्स और लोअर और अपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब से आप लोगों को प्रैक्टिस किस पे करनी है पता है, एमएसक्यू। हम सेशंस लेंगे उसमें एमएसक्यू क्वेश्चंस पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेशंस, इस बार और ज्यादा हम लोग उन पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो हमें पता चले, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या बन सकते हैं वो हमें पता चले। तो हम डिस्कस करेंगे एमएसक्यू क्वेश्चंस को भी, ठीक, पहले थोड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग स्ट्रांग हो जाएं, फिर देखेंगे उनको। देखिए चलिए, ये तीन प्रॉब्लम्स क्लियर है, ये तीन प्रॉब्लम्स क्लियर है, ये तीन प्रॉब्लम्स क्लियर है। नाउ द फोर्थ इज डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। तो देखिए डेटा रिडंडेंसी तो दिख ही रही है, डेटा रिडंडेंसी का सर मतलब क्या है? तो बेटा डेटा रिडंडेंसी का मतलब है अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, एक जैसा डेटा बार 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 इंसर्ट कर रहे हो, दैट इज डेटा रिडंडेंसी। If you are going to insert similar kind of data multiple time, ये एक बार insert किया, यहाँ पे फिर insert कर दिया, यहाँ पे फिर insert कर दिया, तो अगर मैं एक ही data को बार 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 table में insert करता हूँ, इसको क्या कहते हैं? ये data redundancy है, है ना? Unnecessary, भाई एक room की information थी, कहीं एक जगह पे store होती
और वहीं से बाकी जहां जहां भी नीट थी रेफरेंस दे देते और एक्सेस कर लेते, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने अगर हमें उस रूम की इन्फॉर्मेशन दस टपल्स में या 10 रूम में चाहिए तो मैं उसे 10 बार इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ इसका मतलब है कि देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिडंडेंसी, देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिडंडेंसी। गॉट इट सर? इंसर्शन को एक बार बताइए। इंसर्शन की प्रॉब्लम बेटा ऐसी मैंने कही है कि सपोज टू बी मुझे रूम नंबर 103 मैंने बनाया है, ठीक है, उस रूम में 500 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और उस रूम का कैपेसिटी है 10,000 स्क्वायर फीट। आई वांट टू इंसर्ट दैट इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर टेबल, कैन आई इंसर्ट? क्या मैं ये इंसर्ट कर सकता हूँ? अभी इस रूम में कौन सा कोर्स मैं कंडक्ट करूंगा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि भाई रूम में कौन सा कोर्स लगाना है। रूम बना लिया, सोचेंगे कौन सा कोर्स लगाना है, जिसमें बच्चे बढ़ेंगे वो वाला कोर्स लगा देंगे, जिसमें कम बच्चे होंगे वो छोटे रूम में लगा देंगे। ऐसे ही तो होता है भाई, यूनिवर्सिटी में भी क्या होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, है ना, सेमिनार रूम्स होते हैं, वहाँ कौन सी क्लासेस कंडक्ट होती है जिसमें बच्चे ज़्यादा है, जहाँ बच्चे कम होते हैं वो छोटे रूम में कंडक्ट होती है। तो हमने बड़ा रूम तो बना लिया, बट क्लास कौन सी लगेगी ये तो रेंट टाइम पर डिसाइड होगा भाई, जिसमें ज़्यादा एडमिशन होगा उसकी लगा देंगे, जिसमें नहीं हुए वो छोटे रूम में लगा देंगे। तो अभी डिसाइडेड नहीं है ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि आई कांट इंसर्ट दैट इन्फॉर्मेशन इनटू दिस पर्टिकुलर टेबल, बिकॉज ये क्या बोलता है, जब तक कोर्स नंबर नहीं है आप बाकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं कर सकते, जब तक कोर्स नंबर नहीं है आप बाकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं कर सकते। थैंक यू विशाल। यस डेफिनेटली बेटा, मैंने वही कहा था कि डीबीएमएस, देखिए डीबीएमएस इज अ रैंक बूस्टर सब्जेक्ट भाई, मतलब आपका 7 मार्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रिसर्च नहीं है सब्जेक्ट के अंदर कि सर ने पढ़ाया उसके बाद 10 घंटे और पढ़ूंगा तब कुछ होगा। मैंने पढ़ाया उसके बाद 1 घंटे भी पढ़ लोगे तो बराबर, मतलब वो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इज अ रैंक बूस्टर सब्जेक्ट, 7 मार्क्स टू 9 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है, इस बार 7 नंबर में पूछा था, 7 टू 9 तक का इसका वेटेज होता है, तो वो मार्क्स बहुत आपकी रैंक को बूस्ट करने में बहुत काम करते हैं, है ना, तो इसलिए कहते हैं। और दूसरा बड़ा बेनिफिट इस सब्जेक्ट का क्या है कि किसी और सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में हम लोग कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक हुए कि कहीं ना कहीं वो दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ये इतना कहीं डिपेंडेंसी आती नहीं है इसकी। चलिए सो इतना क्लियर है बेटा कि चारों टाइप की जो एनोमलीज है, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or not? Okay. तो इन problems को overcome करने के लिए अब हमें शुरुआत में क्या लगा था? सर टेबल तो बिल्कुल सही बनी है, जैसा डेटा इंसर्ट करना चाह रहे थे वैसा इंसर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम थोड़ा सा डेप्थ में गए, जब हमें कुछ और डेटा इंसर्ट करना पड़ा तो प्रॉब्लम्स फेस करने लगे, प्रॉब्लम्स फेस करने लगे, तो ये 4 प्रॉब्लम हमें इस डेटाबेस में दिखने लगी। तो अब हमें क्या लग रहा है, नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग, नहीं ये किसी काम का डेटाबेस नहीं है, ऐसा डेटाबेस अगर बना दिया तो फिर हमारा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। आपने किसी ऐसा डेटाबेस किसी पर्टिकुलर आपके जो आपका क्लाइंट है उसके लिए आपने बना दिया, तो वो क्लाइंट बोलेगा एक काम करो यार एक रूम की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दो, आप कर ही नहीं पाओगे। वो बोलेगा एक काम करो यार ये कोर्स मैंने पढ़ा दिया आप इसको हटा दो, इस कोर्स को डिलीट कर दो, तो आप उसके साथ में उसके रूम की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर दोगे। तो ऐसा डेटाबेस हमें नहीं बनाना है, है ना। सो इनिशियली हमें लग रहा था कि नहीं बहुत सही डेटाबेस है, बट बाद में पता चला कि नहीं ये किसी काम का नहीं है। चलिए तो अब इन प्रॉब्लम्स को बात आती है ओवरकम करने की, कि हाउ वी कैन ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम लोग करते हैं नॉर्मलाइजेशन। प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम लोग करते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। तो जो अननॉर्मलाइज डेटाबेस होता है उसमें जितनी प्रॉब्लम्स होती है लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, डेटा रिडंडेंसी, सो इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए या फिर हम बोले मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप, मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि कोई भाई एक स्टेप परफॉर्म किया और आउटपुट आ गया और अब टेबल नॉर्मलाइज्ड हो गए, ना, इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। मतलब नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स हैं,
दे आर सिंपली वी कैन से इट इज काइंड ऑफ स्टेप्स, एक के बाद हम लोग क्या करते जाते हैं, उन स्टेप्स को परफॉर्म करते जाते हैं, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है उनमें से प्रॉब्लम्स हमारी ओवरकम होती जाती है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से दैट नॉर्मलाइजेशन इज, देयर इज अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF, देन देयर इज अनदर BCNF, द नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म दैट इज द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, देयर इज अनदर नॉर्मल फॉर्म दैट इज द 5NF, ठीक है। सो इतने डिफरेंट टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारा अननॉर्मलाइज डेटाबेस है, तो हम उस अननॉर्मलाइज डेटाबेस को 1NF में कन्वर्ट करते हैं। 1NF के बाद आता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बाद आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आता है BCNF, 4NF एंड 5NF। ओके, बेसिकली अगर हम लोग गेट सिलेबस की बात करें तो हमें ये फर्स्ट फोर नॉर्मल फॉर्म्स आर इज इन सिलेबस, मतलब 1, 2, 3 और BCNF के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फोर नॉर्मल फॉर्म आपके सिलेबस में, 4NF और 5NF पे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, आते भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फोर नॉर्मल फॉर्म। तो 1NF की अगर मैं बेटा सबसे पहले बात करूँ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, या कब हम लोग हमारी टेबल को 1NF में कह सकते हैं। देखिए, सपोज टू बी वी हैव एन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टेबल है मेरे पास, एक स्टूडेंट टेबल है मेरे पास, या मुझे एक स्टूडेंट टेबल बनाना है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन नंबर, ठीक है। सो आई एम हैविंग अ स्टूडेंट टेबल एंड स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर इज देयर, नेम इज देयर, मार्क्स इज देयर, फोन नंबर इज देयर, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल की बात करूं तो क्या हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो फोन नंबर है इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो कैन वी से दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन हैव अ मोर देन वन कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब आजकल तो होता ही ना, एक मोबाइल में दो सिम रहती है तो दो नंबर तो हर किसी के पास हो गए, ठीक है। सो वॉट वी कैन से, पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन हैव अ मोर देन वन कॉन्टेक्ट डिटेल, तो इसका मतलब है कि ये जो एट्रीब्यूट है बेटा, ये कैसा एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो देखिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या अननॉर्मलाइज डेटाबेस की बात करूं मैं, तो अननॉर्मलाइज अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे अगर आपने इसको ऐसे समझो, सपोज टू बी यू हैव अ कॉपी, आपके पास कॉपी है ना, जो नोट्स है आपकी, नोट्स जिसमें आप बना रहे हो, यू हैव अ कॉपी, डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कॉपी है, रफ कॉपी जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, या फेयर कॉपी जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, आपको किसको, एक स्टूडेंट था है ना, उसका रोल नंबर 101 था, आपने इसी टेबल में लिख लिया 101, फिर आपने उसका नेम लिख लिया, नेम लिखा है ना, सपोज टू बी द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज आपने राज लिख लिया, उसको मार्क्स 98 आए हुए थे, आपने 98 लिख लिया, और आपको पता चला राज के पास 3 फोन नंबर है, ठीक है। तो आपने कॉपी में पहला फोन नंबर लिखा, दूसरा फोन नंबर भी लिख लिया उसका, और उसका थर्ड फोन नंबर भी लिख लिया, लाइक दैट, ठीक है। सर मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ा है, एक साल के अंदर सारे फोन नंबर लिख लिया आपने, ठीक है। तो ये आप आपकी कॉपी में कर सकते हो, ये आप आपकी कॉपी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ऐसी कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है, इसका मतलब है दैट टेबल इज नॉट इन वन नॉर्मल फॉर्म, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, 1NF कहता है, 1NF कहता है ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना, स्टूडेंट इज अ रिलेशन, रिलेशन भी कहते हैं या हम इसे टेबल भी कहते हैं, है ना, एक ही बात है। सो ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन शुड कंसिस्ट एटॉमिक वैल्यू। तो भैया आपका जो रिलेशन है उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना,
हर एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, इट शुड कंसिस्ट एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है, एक सेल में एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कर सकते एक सेल में तीन इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, या आपने आपने सोचा कि ये आपकी कॉपी में लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आपकी कॉपी में कर सकते हो, मतलब कि वो वन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मतलब हम अगर कोई भी फाइल में स्टोर कर रहे हैं इस टाइप का डेटा, वो वन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वन नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या बोलती है कि रिलेशन में जितने एट्रीब्यूट है ना, सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या करना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू कंसिस्ट करना चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एवरी रिलेशन या फिर हम बात करें टेबल, इज ऑलवेज इन वन एन एफ। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने कहा कि एटॉमिक वैल्यू कंसिस्ट करेगा तो वन एन एफ में होगा, और सेकेंड स्टेटमेंट में आप लिख रहे हो कि हर रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही है। तो हाँ, सही लिखा मैंने, हर रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही है, क्योंकि जब भी आप टेबल इंप्लीमेंट करते हो, जब भी आप डेटाबेस बनाते हो, आपने क्रिएट टेबल किया, चाहे कोई भी डेटाबेस है, चाहे ओरेकल में कर रहे हो, MySQL में कर रहे हो, जिसमें इच्छा है उसमें कर रहे हो, तो आप कोई भी क्या करते हो, कोई भी पर्टिकुलर टेबल बनाते हो, एवरी रिलेशन इज इन वन एन एफ। कोई भी पर्टिकुलर टेबल बनाते हो, जैसे रोल नंबर, वही टेबल की बात करूं, उसका इंप्लीमेंटेशन, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड फोन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स एंड फोन नंबर। सो ईच सेल, ये इसको हम सेल कहते हैं, ईच सेल ऑफ टेबल इज एटॉमिक इन अ नेचर, मतलब यहां पे एटॉमिक डेटा ही इंसर्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर एटॉमिक डेटा कैसे इंसर्ट होगा, तो इस सेल में आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे, जो भी फोन नंबर लिखोगे, एक फोन नंबर ही लिखोगे। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा थोड़ी ना है, साइज 10 ली तो एक फोन नंबर लिख सकते हैं, मैं साइज 30 ले लूंगा तो तीन फोन नंबर लिख दूंगा, तो फिर एटॉमिक कैसे हुआ? तो बेटा सेल एटॉमिक होने का मतलब क्या है कि आप जो भी डेटा इस सेल में इंसर्ट करते हो और जो भी डेटा इस सेल से रिट्रीव करते हो, कंप्लीट सेल का डेटा रिट्रीव होता है। यू कैन नॉट रिट्रीव द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। जैसे अगर देखिए एटॉमिक कैसे पता चला कि इसमें जो कंटेंट था वो एटॉमिक था, अगर आपने एक सेल की साइज बढ़ा के, मतलब फोन नंबर जनरली 10 डिजिट का होता है, आपने इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे फोन नंबर को 30 डिजिट का दे दिया और आपने तीन फोन नंबर इंसर्ट कर दिए इसके अंदर, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम कहां पे आएगी जब मैंने बोला कि मुझे उस बच्चे का वो वाला फोन नंबर चाहिए जो 96 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ यू आर नॉट एबल टू रिट्रीव दैट पर्टिकुलर फोन नंबर, आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आप पूरा फोन नंबर सेल का इंफॉर्मेशन दे सकते हो मेरे को, आप इस कंटेंट में जितना भी स्टोर किया है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप मेरे को, लेकिन आप इस सेल के फ्रैक्शन पार्ट को मुझे नहीं दे सकते, है ना? सो यू कैन नॉट रिट्रीव द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि अ सेल इज बाय डिफॉल्ट इज इन एटॉमिक नेचर। तो जो भी डेटा आप इंसर्ट करते हो, यू कैन रिट्रीव द कंप्लीट डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। तो टेबल के हर एक सेल का डेटा एटॉमिक ही होता है, चाहे उसमें 10 डिजिट का नंबर डालो, चाहे 30 डिजिट का, 30 डिजिट का डाला तो वो 30 डिजिट का आउटपुट देगा, 30 डिजिट का डेटा इंसर्ट करके 10 डिजिट का डेटा बाहर नहीं निकाल सकते। गॉट इट? ये पॉइंट समझ में आया बेटा? ये पॉइंट समझ में आया? क्यों हम लोग कह रहे हैं कि जो टेबल है वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है, क्योंकि जो भी डेटा हम उस टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं वो हमेशा एटॉमिक नेचर का ही होता है, क्योंकि ईच सेल ऑफ टेबल इज एटॉमिक इन अ नेचर। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हर रिलेशन को हम वन एनएफ में मान के चलते हैं, जब तक कि गेट के क्वेश्चन वाला ये ना कह दे कि ये वन एनएफ में नहीं है। मतलब मान के चल रहे हैं ना हम, ये सही बात है, लेकिन अगर सपोज गेट एग्जामिनेशन है भाई, उनके हिसाब से क्वेश्चन दे सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि सपोज टू बी यू कैन रिट्रीव द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, तो फिर कर सकते हो ना। अगर मैं लिख देता हूं कि सपोज टू बी आप कर सकते हो, तो फिर आपको उसको मान के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हमेशा 1NF में होते हैं, क्योंकि टेबल की जो सेल होती है वो 1NF में होती है। जब तक कि ऐसा नहीं कहा जाए कि टेबल जो है उसका एक सेल एटॉमिक वैल्यू की जगह सेट ऑफ वैल्यूज भी कंसिस्ट कर सकता है, तब तक वो 1NF में ही होती है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन के लिए आपको रिलेशन को 1NF में तो मानना ही है, रिलेशन को 1NF में तो मानना ही है, ठीक है?
बेटा इफ देर इज एनी डाउट तो जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो और ऐसा है कि अगर भाई कोई भी डाउट भेजे तो बाकी बच्चे भी उसको सॉल्व करें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज प्रैक्टिस फॉर यू, है ना, आप सभी के लिए प्रैक्टिस है। तो किसी भी एक बच्चे का डाउट है, बाकी सब भी उस क्वेश्चन को अप्रोच करें, सॉल्व करें, ताकि इससे क्या होगा, आपका ग्रुप स्टडी भी होगा ना भाई। पहले क्या होता था कि सब आसपास रहते थे तो एक जगह बैठ के ग्रुप स्टडी करते थे। सो नाउ डिजिटल जमाना आ गया है तो भाई ग्रुप स्टडी आप ग्रुप्स पे ही कर सकते हैं ना, तो वहां पे आप भेजें, जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उनके आंसर्स दें। इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट सो आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी फिर उसका आंसर दूंगा, है ना, मुझे लगेगा कि भाई यार ये गलत है ये सही है। तो ऐसे करके एक ग्रुप स्टडी अच्छी हो सकती है। तो ऋतिक आप जो है टेलीग्राम पे बेटा उसको जो ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दें, है ना, जो मेरा ग्रुप है आप उसमें डाल सकते हैं, तो मैं वहां से आपको देख सकता हूँ और बाकी बच्चे भी उसको सॉल्व करें, एंड देन आई विल ऑल्सो गिव दी आंसर फॉर दैट। टेलीग्राम चैनल नहीं है सो आई विल गिव यू द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर। ओके चलिए, सो जो टेलीग्राम पे नहीं है बेटा वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट इज 2NF सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो व्हेन वी कैन से दैट आवर रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कब हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो सबसे पहला पॉइंट, अ रिलेशन इज सेट टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म if there does not exist any partial functional dependency। So our relation is said to be in 2NF if there does not exist any partial functional dependency। So, हम रिलेशन को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब कह सकते हैं, जब उस रिलेशन में एक भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो। तो आप पॉइंट यहां से उठ के आया कि सर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है ना, व्हाट इज पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो इसको इन शॉर्ट में PFD लिख देता हूं, दैट इज पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो पार्शियल फंक्शनल, देखिए पहली चीज 2N, रिलेशन कब 2NF में नहीं होगा, सर अगर रिलेशन में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF में नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, सो वी कैन से दैट इफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन डिपेंड्स ऑन दी depends on the prime attribute of relation, ठीक है। सो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट रिलेशन के, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इन शॉर्ट में NPA बोल देता हूं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर ये डिपेंड करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा प्राइम एट्रीब्यूट है और राइट हैंड साइड क्या है बेटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो अगर प्राइम एट्रीब्यूट टेंस टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, देखिए प्राइम एट्रीब्यूट है और जो सेकंड है वो क्या है बेटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो अगर प्राइम एट्रीब्यूट टेंस टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ऐसी कोई आपको पार्शियल फंक्शनल ऐसी कोई डिपेंडेंसी दी हुई है, देन सच टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी रिलेशन में है तो वैसे रिलेशन 2NF में नहीं कहलाते,
है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, अगर है तो 2NF में नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ से एक नया पॉइंट ये उठ के आता है कि सर व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना सर, प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, सपोज टू बी आई एम हैविंग अ रिलेशन आर विथ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई, ठीक है, एंड सपोज टू बी आई नो दैट द कैंडिडेट कैंडिडेट की ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज ए बी, इस रिलेशन का कैंडिडेट की क्या है, ए बी है, तो बेटा इस रिलेशन के जो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे वो कौन होंगे, सो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, अगर आपकी कैंडिडेट की टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, तो उसके जितने पार्ट्स होंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं, तो ए बी। सो दो प्राइम एट्रीब्यूट है यहां पे, क्योंकि ए बी को ब्रेक करूंगा तो एक एट्रीब्यूट ए मिलेगा मुझे, दूसरा एट्रीब्यूट बी मिलेगा मुझे, तो ए और बी बेटा आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। सर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, सो एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट द एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ की, जो की का पार्ट नहीं है, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो ए बी को छोड़ के, ए बी को छोड़ के रिलेशन के बचे हुए, ए बी को छोड़ के रिलेशन के बचे हुए एट्रीब्यूट्स, सो रिलेशन में बचे हुए एट्रीब्यूट्स कितने, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, गॉट इट। Got my point? So what we can say, AB is a prime attribute and CD is a non-prime attribute. So we have a relation R, और इस relation की candidate की क्या है बेटा, AB है. So what we can say, the remaining attribute of that particular relation is a non-prime attribute, और वो कौन से हैं आपके, CDE है, है ना? तो ये CDE जो है, ये non-prime attribute है. तो partial functional dependency क्या हुई? जैसे अगर मैंने लिखा A से C, तो आप बोलेंगे सर जो C है वो non-prime attribute है. ये जो सी है ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ए क्या है सर, ए जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट है, सो नॉन प्राइम से प्राइम, प्राइम से नॉन प्राइम, है ना, ऐसा कुछ है। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। और अगर ऐसी डिपेंडेंसी रिलेशन में है, एक भी ऐसी डिपेंडेंसी अगर रिलेशन में है, तो ऐसे रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ऐसे रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करते। Yes, बेटा, जो कैंडिडेट की नहीं बना रहे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, बिल्कुल, जो कैंडिडेट की नहीं बना रहे हैं वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, जो कैंडिडेट की बना रहे हैं उनको अगर तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो प्राइम एट्रीब्यूट हमें मिलते हैं। अगर सी के बस ए है तो सर लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए। देखो बेटा, सुनो ध्यान से, ए बी कैंडिडेट की है, ठीक है, अगर कोई रिलेशन है, इस रिलेशन का कैंडिडेट की ए बी है, इस रिलेशन का कैंडिडेट की क्या है, ए बी है, तो इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हुए, इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हुए, उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, पार्ट इज प्राइम एट्रीब्यूट, तो की का पार्ट प्राइम एट्रीब्यूट, और जो की में नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो की पे ना डिपेंड करते हुए उसके पार्ट पे डिपेंड करे, तो ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और अगर रिलेशन में एक भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ऐसे रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होते हैं।
ऐसे रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होते हैं. गॉट इट? तो यहां पे सी ए पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ए टेंस टू सी, ये डिपेंडेंसी है, लेकिन इस डिपेंडेंसी का नाम है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. क्यों ऐसा नाम है सर? क्योंकि बेटा ए जो है वो पार्ट ऑफ की है और सी जो है वो की का पार्ट नहीं है. मतलब वो क्या है? वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. इतना क्लियर है? रशीद सेज दैट कि अगर सी के बस ए होता तब क्या होता. हाँ, तब क्या होता वो भी देखते हैं. देखिए, अगर सपोज टू बी यू हैव अ रिलेशन आर विथ एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई, एंड सपोज बेटा इसका जो कैंडिडेट की है वो ए है, इसका जो कैंडिडेट की है वो ए है, तो फिर अगर आपसे पूछा जाता कि इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और इसके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो सिंपल सा, की में जो एट्रीब्यूट बिलोंग कर रहा है ए, उसको छोड़ के बाकी सारे नॉन प्राइम, तो बी सी डी ई ये नॉन प्राइम हो गए. प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? जो कि कैंडिडेट की का पार्ट हो. सर ये तो टूटेगी ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है फिर यहां पे प्राइम एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट, सिंपल सा. तो अच्छा सर मैं ए टेंस टू बी लिखता हूं तो ये क्या हुआ? ए क्या है बेटा? की है, और बी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट पे नहीं डिपेंड कर रहे, पूरी की पूरी की पे डिपेंड कर रहे, तो ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है. और फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. गॉट इट? चलिए इतना क्लियर है. सर अगर डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है तो फिर इसे कौन सी डिपेंडेंसी बोलेंगे? तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेंगे ना. Suppose to be you have a relation R with attributes A, B, C, D, E, है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसकी कैंडिडेट की है बेटा A, B, C, D, दो कैंडिडेट की है, तो बताओ इसके प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है. अंकित गर्ग, 5 ईयर आईटी में जॉब करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाने का सोच सकते हैं कि आई एम कन्फ्यूज. बट अगर आप आईटी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो तो ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है. बट इफ स्टिल व्हाट वुड बी योर स्टेटस एग्जैक्टली वो आपको पता होगा. अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, देखिए जॉब में दो चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें के लिए मतलब मुझे लगता है शायद जॉब करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन और दूसरा पैसा, है ना. तो अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों में कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना है तो थोड़ा बहुत आप किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. सपोज समहाउ थोड़ा मनी कम है बट सेटिस्फेक्शन है तो आप टूवर्ड दैट जा सकते हो, या पैसा काफी अच्छा है थोड़ा कम सेटिस्फाई हो तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हो ना. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. और अगर बहुत ज्यादा किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना है तो यू नीड टू चूज एनी ऑफ देम, एक किसी को चूज करना पड़ेगा बेटा.
जनरली 5 ईयर आईटी में जॉब करने का आई थिंक एक अच्छा रेपुटेटेड पैकेज भी रहता है और एक अच्छी मतलब प्लेस पे हो सकते हैं आप, ठीक है। बट एग्जैक्टली क्या है वो आपको थोड़ा सा देखना है उसको। चलिए क्या आ रहा है, अमृता बेटा ए सी पे कैसे डिपेंड? मैंने कोई डिपेंड नहीं करवाया, आप मतलब उसको शायद थोड़ा गलत समझ लिए। ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, एक रिलेशन है, उस रिलेशन में डिपेंडेंसी ऑलरेडी दी हुई थी। देखिए क्वेश्चन कैसे, मैं ये कैंडिडेट की निकालते ना, मैंने सिखाया ना हाउ टू कैलकुलेट कैंडिडेट की, तो आपको एक रिलेशन दिया होगा और उसमें कुछ डिपेंडेंसीज दी होगी। आप सबसे पहले कैंडिडेट की निकालोगे, जब कैंडिडेट की निकालोगे उसके बाद फिर आप उन डिपेंडेंसीज को वेरीफाई करोगे कि क्या इनमें से कोई सी डिपेंडेंसी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है, है ना। तो हम ऐसा नहीं कि मैं कैंडिडेट की से मैंने डिपेंडेंसी बनाई है, मैं डिपेंडेंसी से कैंडिडेट की बनाऊंगा और फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि क्या यहाँ पे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। तो शायद आप उसको गलत समझ लिए, वो वैसा नहीं है। चलिए सो यहाँ पे अगर बात करें बेटा प्राइम एट्रीब्यूट की, प्राइम एट्रीब्यूट की, तो प्राइम एट्रीब्यूट इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ए बी सी डी। तो ए बी का पार्ट हो गया ए कॉमा बी, सी डी का पार्ट हो गया सी कॉमा डी। जितनी भी कैंडिडेट की है उसके जितने पार्ट हो सकते हैं वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या कह सकते हैं इनको छोड़ के जो बचा, ई। सो ई इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ई इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बेटा गुलशन, जो पेड कोर्स आपने लिया है तो उसका जो भी मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया हुआ है बेटा, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसी कोर्स के साथ में वहाँ पे है, आप एक बार देखेंगे ना तो मिलेगा आपको, जो स्मार्ट कोर्स में किया था ना वो है वहाँ पे। चलिए अब अगर सपोज टू बी वी हैव अ रिलेशन आर विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई, बेटा रिलेशन है हमारे पास और ये एट्रीब्यूट्स हमें दिए हुए, और अगर इसका जो कैंडिडेट की है हम अगर फाइंड आउट करें कि व्हाट वुड बी द कैंडिडेट की फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशन, तो जो भी आपने अल्टीमेटली एट द एंड फाइंड आउट किया वो फाइंड आउट किया ए बी सी डी और ई, ठीक है। तीन कैंडिडेट की मिली आपको, एक ए बी, एक सी डी, एक ई। बताइए इस रिलेशन के लिए प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? यस बेटा डेफिनेटली यू कैन से दैट द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के इज प्राइम एट्रीब्यूट, यस यू कैन से, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल आर प्राइम एट्रीब्यूट, नहीं आप गलत कह रहे हैं। मैंने तीन कैंडिडेट की दी है बेटा आपको, एक ए बी है, एक सी डी है और एक ई है, देर आर थ्री कैंडिडेट की। सोचे कहाँ गलती कर रहे हो, सोचिए कहाँ गलती कर रहे हो।
देखिए बेटा, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पार्ट होता है ना, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए और बी ये ए बी के पार्ट है, सी और डी ये सी डी के पार्ट है, भाई ई का पार्ट थोड़ी ना हो सकता है, तो ई इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट जो की के पार्ट, जो की में नहीं है। तो ए बी सी डी ई सभी की में बिलोंग कर रहे हैं, किसी ना किसी की में बिलोंग कर रहे हैं, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे बेटा आप ई को क्या कहेंगे, ई ना तो प्राइम एट्रीब्यूट है, ई ना ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ई खुद की है, ई खुद की है। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया? तो कहाँ गलती कर रहे थे आप, ये क्लियर है, कहाँ गलती कर रहे थे आप, ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताएं। देखिए सिर्फ नॉन प्राइम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, नॉन प्राइम से प्राइम है, नॉन प्राइम प्राइम से नॉन प्राइम है, प्राइम एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन प्राइम राइट हैंड साइड में, इट इज अ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है सब फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बट सारी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो पी ए से की है, की से पी ए है, दे ऑल आर अ डिपेंडेंसीज बट दे आर नॉट अ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दे ऑल आर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, नथिंग एल्स। ओके चलिए, सो दैट इज अबाउट दी टूडे सेशन, आज के सेशन के लिए इतना काफी है, इसके आगे का हम लोग कल सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिप्लाई दे के बताइए कि आज का सेशन सभी को क्लियर है या नहीं, और अगर आप लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है तो डियर सेशन को जरूर लाइक करिए, एंड रिप्लाई वंस कि इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, आज जितना पढ़ाया सबको क्लियर है नहीं है। चलिए बेटा, ओके, सो मिलते हैं कल, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।